हेलो दोस्तों, एसेंचर कोडिंग क्वेश्चन की प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसेंचर में आई हुई एक और रिसेंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 35। और इससे पहले मैं 34 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूं, जो आपको मेरे हैकर रैंक पे मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट है एसेंचर लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चन की, ये देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट है, जहां पे मैंने लगभग 34 प्रॉब्लम्स को अब तक सॉल्व कर लिया है और आज की प्रॉब्लम है 35। ना सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देख सकते हैं आप, बल्कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो ये हैकर रैंक का मेरा यूआरएल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हैकर रैंक का यूआरएल है, इस यूआरएल पे जा करके आप जिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो आपको इसको सॉल्व करने के दौरान, तो आप जा करके इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आइए आज की प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं क्या है। आज की प्रॉब्लम का नाम है बाइनरी सम, और क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि एक डेसिमल नंबर दिया गया है एन। ठीक है, आपका काम है कि इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी डिजिट्स आती हैं उनमें जितने भी वन हैं उनको ऐड कर दो। सिंपल सा, जैसे आपने कहा 10, तो 10 का बाइनरी कितना हो जाएगा 1010। 1010 में जितने वन है जोड़ोगे कितना आएगा 2, तो आउटपुट आपका कितना आया 2 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे 10 है, आपको पता ना कि 10 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल है भाई, इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 5 जा, आप यहाँ पे 5 टाइम गया, बचा कितना 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। फिर 2 2 जा 4, बचा कितना 1। फिर 2 1 जा 2, बचा कितना 0। फिर 2 0 1 टाइम गया। ठीक है, जब यहाँ 0 आ जाता है तो इसको रोक देते हैं, और ये वापस गया कितना हो गया 1 0 1 0। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो हम जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। इसको प्रोसेस करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको हर नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। कब तक, जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। तो सबसे पहला काम तो आप नंबर को रीड कर लेंगे। मान लीजिए जो भी नंबर आपने रीड किया sc.next.int, ठीक है, तो नंबर रीड करने के बाद आप क्या करें, इसको नंबर रीड करने के बाद आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही पुरानी लॉजिक लिखेंगे, जब तक नंबर बड़ा है 0 से क्या करेंगे, मान लीजिए r इज इक्वल टू क्या कर देंगे नंबर मॉड कितना 2, फिर नंबर को यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई टू, ये तो हो गया आपका नंबर। लेकिन इसको स्टोर कहाँ करेंगे, ये वाला पार्ट को स्टोर कहाँ करेंगे, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक एरे। तो मान लीजिए मैंने एक एरे बना दिया, मान लीजिए एरे का नाम रख दिया मैंने bin। ठीक है, अब bin की साइज क्या होगी, कुछ भी आप मान लीजिए हम मैक्सिमम इसकी साइज मान लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसकी साइज मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 डिजिट काफी होते हैं बाइनरी के लिए। ठीक, अब यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अब हमको चाहिए एक, हमको इसका इंडेक्स पता लगाने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं int indx = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो r आया ना उसको आप कहाँ पे डाल देंगे, उसको डाल देंगे बाइनरी के इंडेक्स पे, आप उसको ऐड कर देंगे कि r को रख दो और इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, तो इंडेक्स जो हमारा हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड करेगा क्या, बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहा हूँ कि ये कोड क्या करेगा। ठीक है, ये कोड क्या करेगा, इसको समझने के लिए आपको ये करना होगा, एकदम आसानी से इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको आप पकड़िए और इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर कर देते हैं हम लोग, इधर थोड़ी जगह मिल जाएगी हमको, एकदम देखिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा समझते हैं। मान लीजिए नंबर आपने दिया 10, ठीक है, आपने कहा भाई नंबर को 10 दे दो, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक आपने एरे बना लिया है, ठीक है, ये एरे है 100 डिजिट तक का, मान के चलते हैं 100 है। ठीक, अब 200 मान लेते हैं। एक वेरिएबल लिया आपने इंडेक्स, जिसकी शुरुआती वैल्यू क्या है 0 है, तो आपको पता ना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 इंडेक्स है। ठीक है, अब नंबर लिया हमने, क्या नंबर मतलब मान लीजिए नंबर 10 है, तो क्या 10 बड़ा है 0 से, सही बात है। R इज इक्वल टू आपने कहा 10 mod 2, कितना आएगा, जाहिर सी बात है 0 आएगा रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आप उसको कहाँ पर रखेंगे, बाइनरी के 0 पोजीशन पे, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 0, आपने 0 रख दिया, तो यहाँ पे आपने रख दिया 0, और इंडेक्स को आपने एक बढ़ा दिया, तो इंडेक्स 0 था कितना हो गया 1, मतलब इंडेक्स यहाँ से उठ के कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, और नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया आपका 10 divided by 2, मतलब 5, सही है। ठीक, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको पतला कर दिया। ठीक,
अब आपने कहा कि यार अब फाइव क्या बड़ा है जीरो से, सही बात है। आर इज इक्वल टू फाइव मॉड टू कितना आएगा, वन आएगा रिमाइंडर। ठीक है, बाइनरी के वन पोजीशन पे आपने किसको रख दिया, वन को रख दिया। इंडेक्स अब हो गया कितना, टू, मतलब यहाँ रखा आपने वन और इंडेक्स यहाँ से उठ के चला गया इस जगह पे। ठीक है, और नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया कितना, फाइव डिवाइड बाई टू, मतलब टू टू जा फोर, तो टू टाइम जाएगा, वन बच गया था आपका। ठीक है, अब क्या होगा, टू बड़ा है क्या जीरो से, सही बात है। आर इज इक्वल टू फाइव, सॉरी टू मॉड फाइव, टू मॉड टू, तो टू मॉड टू कितना आएगा, जीरो आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब बाइनरी के इंडेक्स पोजीशन पे, मतलब टू पोजीशन पे क्या चला जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे चला गया जीरो। और इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, इंडेक्स की वैल्यू थी दो, अब कितनी हो गई, तीन, तो इंडेक्स चला गया यहाँ पर। ठीक है, नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया टू डिवाइड बाई टू, वन टाइम जाएगा आपका। ठीक है, फिर से लूप चलेगी, जब फिर से लूप चलेगी तो क्या होगा, अब मैं यहां से इस जगह से यहां पे आ रहा हूं। ठीक है, तो अब वन क्या बड़ा है जीरो से, सही बात है। आर इज इक्वल टू वन मॉड टू, तो जब वन को टू से आप डिवाइड करेंगे, मॉड निकालेंगे, तो वन ही आएगा, क्योंकि जब आप किसी छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करते हैं तो जीरो बार जाता है, बचता वन है, तो यहाँ पे वन आएगा। अब क्या हो जाएगा, बाइनरी के इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, थ्री थी, तो थ्री पोजीशन पे आ जाएगा वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्लस प्लस, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर, इंडेक्स इज इक्वल टू प्लस वन, मतलब फोर हो गया। ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ से उठ के कहाँ पे चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा। और आपका एक वेरिएबल कौन था, नंबर, तो नंबर में क्या होगा, इस बार नंबर में ये हो जाएगा कि नंबर में हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू नंबर, मतलब नंबर कितना, वन डिवाइड बाई टू, मतलब जीरो, तो नंबर जीरो हो गया। तो क्या जीरो बड़ा है जीरो से, लूप फेल हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा यहाँ पर इस जगह पे, कि आप देखेंगे कि इंडेक्स एक आगे बढ़ गया है, तो इसका मतलब इंडेक्स से एक पीछे, इंडेक्स माइनस वन से जीरो तक की अगर लूप चला करके हम इसको जोड़ लें, सबको जोड़ लें, तो जाहिर सी बात हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आगे क्या करना होगा, आगे कोड तो आपने आधा लिख ही लिया है, अब एक वेरिएबल लेना होगा आपको, क्या एक वेरिएबल लेना होगा आपको, सम, आई एंट्री सम इज इक्वल टू जीरो, एक वेरिएबल ले लीजिए आई, और लूप चला दीजिए क्या, फॉर आई इज इक्वल टू इंडेक्स की जो वैल्यू है माइनस वन ग्रेटर इक्वल देन जीरो, आई माइनस माइनस, और सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या, जो बाइनरी आपने कन्वर्ट किया है आप आई को कर लीजिए, और अंतिम में अपने आप क्या कर दीजिए, जो एसओपी कर दीजिए किसको, अपने एस को, दैट्स इट। इतना ही तो इस क्वेश्चन में करना था, ये आप चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे सोल्यूशन को देख के करना चाहते हैं तो आइए देख के हम लोग अपने सोल्यूशन पे करते हैं इसको, एकदम आसान सा ये कोड है। ठीक, तो यहाँ पे जाते हैं और इस कोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कोड में बाइनरी सम इसका नाम है, तो हम लोग जावा पे करेंगे यहाँ पे। तो क्या करूँ मैं, इसको सिंपल इसको हटा दीजिए, यहाँ पे एक स्कैनर ले लीजिए, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर क्या सिस्टम डॉट इन, उसके बाद आप क्या करिए, आई एन टी एक एन लीजिए, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे बाइनरी नाम से, मैंने कहा तो बाइनरी के बाद में लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा हम एक काम करते हैं कि इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सॉल्व के अंदर एन को दे देते हैं, और ये क्या लेके आएगा, एक रिजल्ट लेकर के आएगा, इस रिजल्ट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या रिजल्ट को प्रिंट कर दो। अब हम इस सॉल्व फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक आई एन टी सॉल्व नाम से फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर आई एन टी एन एक वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करिए, एक एरे बना लीजिए बिन नाम से, बिन, ठीक है, इक्वल टू न्यू आई एन टी, साइज आपने मान लीजिए दे दिया 100, एक वेरिएबल है आई एन टी आई एन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, एक वेरिएबल है आर, एक वेरिएबल है आई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या कर दिया जाए, लूप चला दिया जाए कि फॉर, नहीं पहले हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने क्या किया, एन इज ग्रेटर देन जीरो, क्या करो, आर इज इक्वल टू एन मॉड टेन, टेन नाइन टू, फिर बाइनरी के इंडेक्स पोजीशन पे,
इंडेक्स पोजीशन पे हमने किसको रख दिया, आर को रख दिया और इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया और एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे फॉर आई इज इक्वल टू इंडेक्स माइनस वन, आई ग्रेटर इक्वल देन जीरो, आई माइनस माइनस एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या था बाइनरी ऑफ आई। ठीक है, और अंतिम में आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, सम को। जो मैंने आपको समझाया था बस उसी को यहाँ पे मैंने कर दिया और तो कोई नई बात है नहीं। अब इसको आप चेक करके देखें एक बार। ठीक है, मेरे ख्याल से कोड आपका चल जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया क्या हम लोगों ने, बिल्कुल नहीं किया था। एस इक्वल टू जीरो मान लीजिए भाई, इस वजह से नाराज़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। इसको सबमिट कर दीजिए तो सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके ये काम की जानकारी ज़रा भी लगी हो तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।